हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल गुड मॉर्निंग शीतल प्रीति शिफाली अभिषेक प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू और नॉट हाँ जी तो आज हम कर रहे हैं अपने एच से एन से अलाइट से रिलेटेड टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम एच के कवर कर रहे हैं तो हमारा शेड्यूल आप देख सकते हैं तो सवा दस बजे सुबह रोज़ डेली एम स्टार्ट होते हैं आपके जो आपके इंपॉर्टेंट है टेन इंपॉर्टेंट एम फिर मेंस करंट अफेयर आप सवा दो बजे देखते हैं डेली करंट अफेयर शाम को सवा छः बजे और जे और एस uh, आई से रिलेटेड आप कोर्स देख रहे हैं शाम में आठ बजे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वो तो सबके लिए बेनिफिशियल है कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो कोई भी एग्जाम uh, की स्टेट की तैयारी जो बच्चा कर रहा है एच पी बी एस सी का हो चाहे एच पी एस एस सी का हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर देखिए हाँ जी गुड मॉर्निंग तो ऑडिबल हूं मैं आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए और YouTube शॉर्ट्स आपके रात के नौ बजे तो ये हमारा शेड्यूल है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग से आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कंसिडर द थैंक यू प्रीति थैंक यू पुष्पा तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एचपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 2006 थाउजेंड सेकेंड आपका है श्रीमती विप्लव ठाकुर वाज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एचपी स्टेट कमीशन फॉर वेमेन थर्ड आपकी स्टेटमेंट है श्रीमती डेजी ठाकुर इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एचपी स्टेट कमीशन फॉर वेमेन हाँ जी थैंक यू साहिल तो ये आपकी स्टेटमेंट से आपको बताना है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और आर इन तो इनकरेक्ट आपका यहाँ पे डायरेक्टिव है तो वन ओनली वन एंड टू ओनली वन एंड थ्री ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव जी तो विवेक डी कह रहे हैं राजेंद्र बी कह रहे हैं अभिषेक डी कह रहे हैं हां इनकरेक्ट पूछा है आपसे हां जी तो दो लोग डी कह रहे हैं

ठीक जी अब ये एक्ट जो है कब पास हुआ है 2006 में ही पास हुआ है या किसी और ईयर में पास हुआ है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन तो फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट तो है ही सेकेंड आपकी है कि विप्लव ठाकुर थे वो थी आपकी फर्स्ट चेयरपर्सन एचपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के हां जी हां राजेंद्र तो अब इनकरेक्ट है हाँ तो आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे तो आप अपना आंसर बता सकते हैं अकॉर्डिंगली तो ये आपकी जो है ये फर्स्ट चेयरपर्सन नहीं थी कौन थे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है जी ये भी इनकरेक्ट है थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है डे ठाकुर के बारे में गुड मॉर्निंग नागेंद्र तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि करंट चेयरपर्सन है ये अभी एच स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की जो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है जी तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट आपकी है वन एंड टू ओनली तो इसका आंसर है आपका बी जो कि किसी ने नहीं दिया किसी ने बी लिखा भी था बट डिलीट कर दिया हां जी तो यहाँ पे करंट पर्सन जो है सिर्फ वही करेक्ट है फर्स्ट पर्सन भी कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना था बट हम सोल्यूशन में रीड करते हैं तो हमारा सोल्यूशन है ठीक है एक सेकेंड तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एच स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1996 में ठीक है जी आपको ऑप्शन में 2006 दिया था हां जी तो आपकी जो श्रीमती सरोज शर्मा थी वो आपकी फर्स्ट चेयरपर्सन थी और आपकी करंट चेयरपर्सन है डेजी ठाकुर तो ये सारे जो आपके हैं फैक्ट्स करेक्ट हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में जो हमारी स्टेट की है तो ये आपको ध्यान में रखने हैं तो ये करंट चेयरपर्सन है आपकी अभी नेशनल फॉर की। नेक्स्ट देखते हैं, हां जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है मनी महेश कैलाश पीक इज लोकेटेड इन धौलाधार रेंज सेकंड आपकी है पीपल टुक पिलग्रिमेज ऑफ मनी महेश इन हिंदू मंथ ऑफ भादो तो विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और करेक्ट आप लोगों को बताना है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन नॉट टू तो अब ये आपकी मनी महेश के बारे में है तो so मनी महेश आपका हमें पता है कि चंबा में है बट अब यहां पे आपको पूछा है कि धौलाधार रेंज में है या नहीं हां जी तो so सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग अभिषेक योगिता पवन मानसी राजेंद्र हाँ जी तो so ये आपका जो है हाँ सभी सी कह रहे हैं बी कह रहे हैं ठीक है एक भी कह रहे हैं स्टडी कॉर्नर हाँ जी तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है मनी महेश कैलाश पीक जो है वो आपकी धौलाधार दो, रेंज में नहीं है वो आपकी पीर पंजाल रेंज पे है ठीक है जी तो आपका फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया और सेकंड है आपका करेक्ट है अब यहाँ पे आपको पूछा है कि जो ये पिलग्रेमेज है यात्रा है मनी महेश यात्रा ये आपकी कौन से महीने में आ, की जाती है तो हिंदू मंथ आपसे पूछा है बात हो तो इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का कब ये मनाया जाते हैं इनका हिंदू मंथ याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कभी कभी यही पूछा जाता है जैसे मिंजर आपका कब कौन से मंथ में कौन से डे में मनाया जाता है ये आपका क्वेश्चन एक बार ही आया था तो वैसे ही आपको सारे जो हिंदी कैलेंडर के मंथ से हाँ जी अगस्त सेप्टेम्बर तो ठीक है पर हिंदी कैलेंडर के मंथ्स भी आपको याद रखने हैं तो इसका आंसर आपका है बी तो फर्स्ट आपका क्या है कि पीर पंजाल रेंज पे है वहां पे है आपकी मनी महेश लेक और मनी महेश कैलाश पीक और यहाँ पे ये यात्रा की जाती है यहाँ की यात्रा की जाती है तो ये भरबौन सब डिविजन ऑफ चंबा में है तो अभी लेक है जो यहाँ पे आपका ये पिलग्रिमेज होता है अगस्त सेप्टेम्बर के मंथ में और हिंदू महीने का क्या है ये आपका भादो मंथ है ठीक है जी अब यहाँ पे एट्थ डे ऑफ न्यू मून पीरियड है उस दिन पे ये यात्रा की जाती है और इसको मनी महेश यात्रा कहा जाता है हाँ जी तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि आपके हिंदू मंथ कौन से हिंदू मंथ में होती है और कौन सी पीक में है अब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कॉमन है डिस्ट्रिक्ट हमें पता ही होगी कि चंबा में है तो अभी नेक्स्ट स्टेप जाके हम इसमें क्या लर्न करना है हमें कि ये कौन सी रेंज में थर्ड क्वेश्चन आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भ्रीगू लेक इन हिमाचल प्रदेश फर्स्ट आपका है भ्रीगू लेक इज अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकेंड है इट लाइज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास तो आपको बताना है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो आपके ऑप्शन आपको गिवन है हाँ जी बी कह रहे हैं प्रिंस नीमा प्रणव जी मैक्सिमम लोग बी कह रहे हैं हां जी करेक्ट आपको पूछा है यहाँ पे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है भ्रिगू लेख है एक लेक है हमें पता है अब यहाँ पे गिवन है कांगड़ा कांगड़ा में नहीं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी सेकेंड स्टेटमेंट आपकी हां जी विवेक विवेक ने बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ पे वेस्ट नहीं ईस्ट है ईस्ट ऑफ रोहतांग पास है तो आपकी सेकेंड भी इनकरेक्ट हो गई तो आपको यहाँ करेक्ट पूछा था तो आपका आंसर है डी ना इधर वन नॉट टू क्योंकि ईस्ट में है वेस्ट में नहीं है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है और फर्स्ट तो आप लोगों ने प्रोडिक्ट कर ही लिया था हाँ जी तो ये छोटे छोटे चेंजेस है जो हमें नोटिस करने होंगे अपनी स्टेटमेंट्स में क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस ही किए होंगे तो सारी स्टेटमेंट का एक एक वर्ड जो है ध्यान से पढ़ना है पढ़ते वक्त भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि हम पढ़ते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान दें और एग्जाम में गलती ना करें ठीक है जी तो फोर्थ आपका है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट तो अब आप आपकी इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है तो थ्री फोर फाइव या सेवन जी, ज्यादा मुश्किल की प्रैक्टिस करेंगे मानसी तभी तो हमें कम मुश्किल वाले इजी लगेंगे एग्जाम में हाँ जी, तो सेवन कह रहे हैं मैक्सिमम लोग हाँ जी फोर लोकसभा में और थ्री राज्यसभा में हाँ तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेवन तो डी आंसर है तो जो लोकसभा में है आपके वो कौन कौन है आपके कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मंडी से हमीरपुर से शिमला से आपको गिवन है यहाँ पे तो एमपी जो है किशन कपूर है प्रतिभा सिंह है अभी अभी बाई इलेक्शन हुआ था अनुराग ठाकुर है और सुरेश कुमार कश्यप है ऐसे ही आपके जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो तो हमें फिर भी याद होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं बट आपके जो राज्यसभा मेंबर्स है Uh, उनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता तो राज्यसभा में आपके हैं जेपी नड्डा इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार तो ये आपका टेबल है, है? ठीक ये आपके एम पी जो करंटली uh, हमारे पाल, इंडियन पार्लियामेंट में है हिमाचल प्रदेश से तो टोटल सेवन है हां जी। <coughs> तो नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ आपका है अरेंज द फॉलोइंग सेंचुरीज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तो आपका सेचू तुआ नाला मनाली बंदली और ट तो कोड्स आपको यहाँ पे गिवन है तो आपको अभी हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अब आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि इसमें आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलग है ठीक है जो हर आपको यहाँ पे दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है तो हमें डिकोड करना थोड़ा इजी हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे हाँ जी मैक्सिमम लोग ए कह रहे हैं वेरी गुड अभिषेक बी कह रहे हैं तो बीच में कुछ वेरिएशन भी आंसर में बट मेजोरिटी ए कह रहे हैं तो हाँ जी तो ये करेक्ट है तो इसमें आपको एक ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिफरेंट सेंचुरीज भी दी जा सकती है तो वो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्थ से साउथ अरेंज करना होता है ये आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हमें पता है चंबा सबसे ऊपर है तो सेचूत वानाला जो है वो सेंचुरी सबसे नॉर्थ में होगी हमारी ठीक है जी और सोलन सबसे साउथ में है तो दालाघाट आपकी साउथ में होगी लास्ट में होगी ठीक है जी हाँ जी मंडी में है बांदी मनाली में कुल्लू मनाली में है और दालाघाट सोलन में है तो ये इसका आंसर है आपका ए तो हम देख ही रहे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट क्या है सेचू तो सेचूथाना चंबा में है मंडी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है बांदली मंडी डिस्ट्रिक्ट में और डालाघाट है सोलन डिस्ट्रिक्ट में हां जी तो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मली uh, पहाड़ी यूज टू बी रिटन इन टंकरी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच स्क्रिप्ट तो आपको बताना है शारदा खरोश्ती नगरी या फिर ब्रह्मी ठीक है तो पहाड़ी लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं वो टंकरी स्क्रिप्ट में रिटर्न है और टंकरी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है वो किसकी मॉडिफाइड स्क्रिप्ट है ये आप लोगों को बताना है जी मैक्सिमम लोग जी बिल्कुल करेक्ट है आपका इसका आंसर है आपका ए शारदा टंकरी स्क्रिप्ट है वो आपकी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शारदा स्क्रिप्ट है और इसी टंकरी स्क्रिप्ट से हमारी जो पहाड़ी लैंग्वेज लिखी गई है तो नेक्स्ट देखते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन हमारा जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट आपका है ऑन 15th अप्रैल 1948 हिमाचल वाज क्रिएटेड विद फोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड एन एरिया ऑफ 28185 स्क्वायर किलोमीटर्स सेकंड आपकी है इन 1954 द एरिया ऑफ हिमाचल इंक्रीज्ड बाय 1068 स्क्वायर किलोमीटर एट प्रेजेंट द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल इज फिफ्टी फाइव थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड सेलोमीटर है तो so, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा फैक्ट ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट यहाँ पे हमें जब हम बलोखरा का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं तो मैप वर्क में देखने को मिल रही है ये सारे एरियाज जो वेरी किए हैं विद एडिशन ऑफ अदर डिस्ट्रिक तो जब स्टार्टिंग में बना ही था फॉर्म ही हुआ था हाँ जी सी कह रहे हैं टू एंड थ्री करेक्ट कह रहे हैं हाँ जी क्योंकि फर्स्ट जो है फर्स्ट तो, में ट्वेंटी एट थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर नहीं है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और एक हजार स्क्वायर किलोमीटर आपका बिलासपुर ऐड होने पे बढ़ गया था फिर आपका ट्वेंटी एट थाउजेंड हुआ था तो आपको रफ टर्म्स में ये याद होना चाहिए हाँ जी जो फर्स्ट आपके स्टेटमेंट है उसमें आपको ट्वेंटी सेवन थाउजेंड समथिंग किलोमीटर्स जो है वो अलग अलग गिवन है बलोखरा में तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा जो आपका टेक्स्ट है उसमें डिफरेंट टर्म दी है और आपके मैप के नीचे आपको डिफरेंट टर्म दी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड से रिलेटेड तो अप्रॉक्सीमेटली आपने याद रखना है ठीक है जी तो अभी नाइनटीन uh, फिफ्टी में क्या हुआ था आपका बिलासपुर मर्ज हो गया था फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में तो यह आपका इतना एरिया और ऐड हो गया था अब एट प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी थ्री किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स आपका प्रेजेंट एरिया है ठीक है तो ये आपका आंसर है सी जो लोग सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सी इसका आंसर है हाँ जी तो नेक्स्ट uh, देखते हैं हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सराजी एंड सेंजी आर सब डायलैक्ट्स ऑफ कुल्लुई सेकेंड आपके किनौरी डायलैक्ट इज मदर टली सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ किनौर विच इज ऑल्सो कॉल्ड शमचौ थर्ड आपकी है गहेरी एंड मंचन डायलैक्ट आर स्पोकन इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट तो आपके डायलेक्ट से लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन uh, है तो विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज यर इन करेक्ट आपको यहां बताना है इनकरेक्ट को ध्यान देना है ठीक है जी हां जी तो आपका है टू ओनली वन टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली या वन ओनली हाँ जी आपको इनकरेक्ट बताना है अब कुल्लू लैंग्वेज है उसकी सब डायलैक्ट्स आपसे पूछिए सिराजी और सेंजी तो ये थोड़ा डिकोड करना इजी है क्योंकि अगर आपको पता है मैं आप, आपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के टाइम पे ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा सिराज एरिया जो है वो कुल्लू में है और सेंज है वो भी एरिया है कुल्लू में ठीक है जी रिवर भी फ्लो करती है सैंड आपकी तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड आपकी है अब किन्नौर के बारे में है किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट के डायलेक्ट के बारे में है तो यहाँ पे 75 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है किन्नौर की वो कौन सी आ, मदर टंग क्या है उनकी ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे शमचो तो नहीं है ये तो इनकरेक्ट है ठीक है इतना मैं आपको बता देती हूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई है और सेकंड आपकी इनकरेक्ट हो गई है थर्ड स्टेटमेंट आपकी है गहेरी और मंचत अब ये दोनों डायलेक्ट्स हैं ये आपके लाहौल स्पीति में बोले जाते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ इनकरेक्ट आपसे पूछा था तो इसका आंसर है ए टू ओनली इज इनकरेक्ट हाँ जी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ समझो नहीं है उसकी जगह कौन है देखते हैं सोल्यूशन में तो फर्स्ट आपका है ये हमने देख लिया सराजी और सैनजी कुल्लुई की सब डायलेक्ट है सेकंड है आपकी किन्नौर की जो सब जो डायलेक्ट है उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है बोलती है होमस्कर्ट ठीक है होमस्कर्ट इसका आंसर है वहाँ पे समझो दिया था ठीक है तो ये आपने याद रखना है अब गहरी और मंचट जो है ये डायलेक्ट है आपकी लाहौल स्पीति की ठीक है तो ये डायलेक्ट से रिलेटेड हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो विलुप्त होती जा रही है इसीलिए काफ़ी बार सर्वे भी किया किया गया है इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे कि हिंदी और इंग्लिश को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है उनके आते आते हमारी लोकल लैंग्वेज है जो वो बिल्कुल गायब सी हो जाएगी ठीक है जी इसलिए लोकल लैंग्वेजेज में हाँ जी बात किया कीजिए तो नाइन्थ क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे आपको लिस्ट वन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और लिस्ट टू में आपके टाइप्स दिए गए हैं तो लिस्ट वन में क्या है आपका की कथा मूर्छंक अलगोजा झंझ और इकटारा अब ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है परकशन इंस्ट्रूमेंट है या फिर बेल इंस्ट्रूमेंट है हाँ जी ठीक है तो ये आपके ऑप्शन है इनको आपको मैच करके बताना है कोड आपको यहाँ पे गिवन है तो इनमें से एक ये कुछ डिफरेंट नाम है अगर एक भी आपको पता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं ठीक है जी क्योंकि एक का भी पता हो तो आपको देख रहे हैं डी में सारे वेरिड ऑप्शन है आपको ए और डी ऑप्शन है उसमें सिर्फ डी का थ्री है ठीक है जी हाँ जी तो सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग हाँ जी तो देखते हैं अब आपका जो है डी का टू अगर आपको पता चल गया एक तारा ठीक है इसमें सबसे कॉमन आपका इक तारा ही है तो आप बाकी सारे डिकोड कर सकते हैं क्योंकि आपको आंसर में गिवन है ठीक है तो इसका आंसर है सी अब जो ये होता है की कथा मूर्छंग ये आपका क्या है बेल टाइप इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा अलगोजा आपका होता है ये आपका क्या है विंड इंस्ट्रूमेंट है झंज आपका क्या है परकशन इंस्ट्रूमेंट है और एक तारा से ही आपने डिकोड किया था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ठीक है जी तो हम देखते हैं इनकी फोटोग्राफ्स देखते हैं तो ये हमने देख लिया की कथा मूर्छंग है ये आपका बेल इंस्ट्रूमेंट है तो ये बो और बेल के साथ प्ले किया जाता है अब अलगोजा क्या है इस ट्विन फ्लूट्स ठीक है जो बांसुरी होती है आपकी दो बांसुरियां होती है उसको अलगोजा बोलते हैं झंझ आपका है वो आपका परकर्षन इंस्ट्रूमेंट है जिसको लार्ज केम्बियाल्स भी बोलते हैं ये हम पिक्चर में देखेंगे एक तारा है वो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है गिटार की तरह तो ये आपकी फोटोज है ये आपका जो है अलगोजा है जो आप ट्विन फ्लूट्स हमने देखा है अपने क्वेश्चन में और ये आपका जो है लार्ज केम्बियाल्स है ठीक है ये जो झंझ हमने देखा है परकशन इंस्ट्रूमेंट इसी में आपका मंजीरा भी होता है जो ऐसे करके बजाते हैं कीर्तन में आप लोगों ने देखा ही होगा ठीक है जी तो ये आपके दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट है तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या है द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी है द कोर एरिया ऑफ परागपुर विलेज वॉज डिक्लेयर हेरिटेज विलेज थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय स्टेट इन नाइनटीन थर्ड आपका है मेंबर्स ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी आर डोमिनेटिंग पॉपुलेशन इन दिस विलेज थर्ड uh, स्टेटमेंट है परागपुर हैज ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग लोरी फेस्टिवल फॉर गर्ल चाइल्ड फोर्थ है द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग स्टार्टेड फॉर प्रिंसेस पराग देवी ऑफ कांगड़ा ठीक है जी एक प्रिंसेस के नाम पे स्टार्ट हुआ था तो अभी देखते हैं हम जो ये स्टेटमेंट्स uh, है आपको फोर स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से कौन सी करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है हाँ जी तो आपका हाँ राजेंद्र जी ये आपकी फोटोग्राफ में राजस्थानी है बट हिमाचल में भी पाए जाते हैं हिमाचल के इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये पाया जाता है इसीलिए हम ये इसको हिमाचल के कल्चर में भी रीड कर रहे हैं ठीक है जी तो सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग हाँ जी टू थ्री फोर करेक्ट लग रहा है आपको फर्स्ट क्यों इन करेक्ट लग रहा है फर्स्ट का फर्स्ट का रीजन बताइए फर्स्ट क्यों आपको इन करेक्ट लग रहा है अब यहाँ पे परागपुर विलेज है उसको हेरिटेज विलेज कब डिक्लेयर किया है 1997 में डिक्लेयर किया है या नहीं किया है ये आप लोगों को देखना है हां जी बी कह रहे हैं सी कह रहे हैं डी भी कह रहे हैं ठीक है तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका आंसर है ए नहीं तो ये आपका काफी पुराना है जो कोर एरिया है परागपुर विलेज का वो हेरिटेज विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है एक नोटिफिकेशन से जो आपका 1997 में इश्यू हुई थी बिल्कुल करेक्ट है आपका ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे गलत क्या है यहाँ पे ब्राह्मीन कम्युनिटी के नहीं सूद कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेटिंग है अब परागपुर जो है उसका ट्रेडिशन है कि वो लोही सेलिब्रेट करते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए ठीक है बिल्कुल करेक्ट है ये तो काफी एंशियंट टाइम से या फिर दो तो तीन डेकेड पहले से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वहां पे अब ये लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड पे पर क्यों कर रहे हैं वॉज स्टार्टेड फॉर प्रिंसेस पराग देवी ठीक है जिनके नाम पे इस विलेज का नाम है ऑफ़ जसवान वहाँ पे आपके कांगड़ा गिवन था तो जसवान और कांगड़ा में उस टाइम पे फर्क था प्रिंसली स्टेट में तो जसवान की ये प्रिंसेस थी तो इन्हीं के उससे ये नाम पे ये स्टार्ट किया गया है विलेज आपका और इसी के नाम से आपके ये लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वरना हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी फीमेल फिटिसाइड होता था पुराने टाइम में तो इसीलिए उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए अब हमारे गवर्नमेंट ने भी काफी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी है अनमोल ठीक है जी वैसे ही आपका ये भी एक सिम्बोलिक uh, वो है कि फेस्टिवल जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है जी तो अब ये हमारा जो है क्वेश्चन थे टेन क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं अब हम देखते हैं हमारी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं ठीक है जी कुछ आपके फ्री इनिशिएटिव है हाँ जी तो आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड एचपीजीके के की जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड प्लस आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जो एकदम फ्री हैं ठीक है जी प्लस पेड कोर्सेज भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और आप लोग कॉन्टेक्ट uh, डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए हाँ जी अब कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता दीजिए आउट ऑफ टेन सेवन आउट ऑफ टेन पुष्पा के हैं प्रणव के सेवन आउट ऑफ टेन हैं हाँ जी हाँ बहुत क्वेश्चन अच्छे थे आज के हाँ जी तो हम नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी पर्सपेक्टिव से कि आपकी जो है एचपी के जो है वो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए टफ से टफ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को टफ ना लगे हाँ जी सिक्स आउट ऑफ नाइन है नीमा के साहिल के फाइव आउट ऑफ टेन है फर्स्ट क्वेश्चन मानसी का मिस हो गया सेवन आउट ऑफ नाइन वेरी गुड हाँ जी तो वेरी गुड बहुत अच्छा स्कोर है आपका ऐसे अटेम्प्ट करते रहिए क्योंकि हाँ टफ लेवल के क्वेश्चन थे काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन सब में थी तो इस सब में टेन आउट ऑफ टेन आना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि जो फैक्ट्स इस क्वेश्चन में गिवन है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेटल हो जाए बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिवाइज करते रहे जो हमने कॉमन क्वेश्चन भी किए हैं अपनी एचपी जी के रिविजन सीरीज में ठीक है जी जो आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग में से किसी ने वो नहीं अटेंड की तो वो कीजिए उसके थ्रू हमने पूरी बलोखरा रिवाइज़ की है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब हम उस सीरीज में मेनली डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हम वो डिस्कस नहीं कर पाते तो यहाँ पे हम नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और थोड़े थोड़े पुराने के भी रिविजन करते हैं ठीक है जी तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे